ये गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग ऐसा होने वाला है, थोड़ा सा अब मैं मजदूरी में उतरने वाला हूँ। क्या विकास? विकास भी है। एक दिन काम किए थे यार, उसके बाद से मैं व्लॉग बनाया ही नहीं हूँ। बैठो आने दे। हाँ, अभी जिसे भी बुलाए हैं, एक जगह अपना प्लाट है ना, वहाँ बस क्या बोलते हैं घर स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर अभी बस प्लिंथ लेवल तक काम होगा, 15 से 20 दिन का काम है, ज़्यादा नहीं है। तो इस कड़ी गर्मी धूप में काम करना पड़ेगा यार, हमारा फट के चार होने वाला है। तो चलो बाद में मिलता हूँ जब जेसी भी आएगा। तो हम गाइस जा रहे हैं अभी एकदम फुल रोला में। चलो चलते हैं अब। तो पता है यार, अभी हम जस्ट वापस आए हैं और अभी बज रहा है, नहीं पता कितना बज रहा है, 4 या 5 बज ही रहा होगा। तो अब नहाने चलते हैं यार। तो यार कल से ना बहुत सारा काम होने वाला है। अभी तो जो तूफान से आने से पहले की जो शांति होती है ना, वैसी ही लग रहा है। और कल से ना यार इतना तगड़ा काम होने वाला है कि टाइम हमको नहीं मिलने वाला, पता है, एकदम तगड़ा वाला। तो चलो चलते हैं अब नहाने। तो चलते हैं यार, बाय। तो यार अभी नहा लिए ना, पता है। अपना यार अभी ये वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो गया, पता है, कुछ दिन था बाकी। मैं ना क्या हुआ कि मैं वो दोस्तों को व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला कि भाई ख़त्म हो गया अपना वाईफाई का रिचार्ज, ठीक ना। तो अब दोस्तों से पैसा मांगना पड़ेगा यार, जितने जन को मैं बांटा हूँ, ठीक ना, जितने जन को तो नहीं बल्कि एक दो लोगों को मैं बांटा हूँ, ठीक, तो उनसे पैसा लेना पड़ेगा और करवाते हैं रिचार्ज। अब चलो देखता हूँ क्या होता है, पैसा देते हैं नहीं देते हैं पता नहीं यार। तो चलो अब सबको कॉन्टेक्ट करता हूँ, मज़ा तो नहीं आ रहा, रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो चलो अब देखते हैं। और नहा लिए और कल से ना अपना पूरा हवा हवा होने वाला है, क्योंकि कल से घर वर बनाना है ना, तो फिर मकान तो फिर नीचे से न्यू खड़ा करना पड़ेगा स्टेज बाई स्टेज। बाकी यार वहाँ के ना आस पड़ोस में इतने कमीने लोग हैं ना, बता रहा हूँ, कोई ना एकदम ढंग से बात ही नहीं करता है, सच में ऐसा है। गुस्सा तो आ रहा है, क्या करोगे, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए यार। क्या बोलते हैं, मतलब कि भविष्य में कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो काम दें ऐसा, लेकिन वो लोग सोचते ही नहीं यार, ऐसा नहीं होता क्यों। तो फिर मुझे भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सा यार ऐसा स्थिति हो गया ना था कि बीच में कुछ झगड़ा टगड़ा स्थिति हो गया था। तो फिर छोटा टाउस मैनेज कर लिए और अभी तो ठीक है। तो चलो मिलता हूँ बाद में तो यार, क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा भूख भी लग रहा है, तो कुछ सोचता हूँ। तो यार भी हम लोग मैगी बना रहे हैं और ये चाउमीन है, दोनों को साथ मिक्स करेंगे और बनाएंगे। चलो बाहर काम करवाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो पूरा पानी गिर चुका है यार, एकदम अभी बहुत ज्यादा वाला काम है। पर चप्पल कहाँ की तू लोग, वो उधर है। तो ये गाइस अभी हम आए हैं बैठने के लिए और मोटा भी आया है। कौन सा ये वाला बैठ लेंगे भाई, ये वाला यही वाला था, यहाँ था, सब हो गया है, नहीं वो चले जा। कौन सा क्या है यार, खैनी डब्बा ना, कौन सा खैनी डब्बा, कुर्रू है यार, कुर्रू है जैसा ना हो जाए ये इरेजर पागल है, इरेजर है, तंबाकू का डब्बा नहीं है वो। देख सकते हो गाइस ये हमारा बैट है, एकदम मस्त वाला, वाओ ग्रिप है। क्यों पकड़ के देखना,
Hey guys, welcome to my new vlog. तो आज हम आए हैं नूतन के साथ में घूम रहे हैं प्रयास स्कूल में. एक दोस्त से मिलने आया था. पागल हो गया नहीं, जहाँ हम करेंगे वहाँ व्लॉग शूट करेंगे. hey guys, जो हम जिस काम के लिए आए थे वो पूरा नहीं हुआ और मन से लौट रहे हैं. वाओ, जिंदा नहीं, अब मर गए. कैसे मरेगा भाई, तो अभी जिंदा है. तो यार मैं बहुत देर के बाद अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा था. और क्या ही बोल सकता हूँ, आज पापा को मैं बस स्टैंड में बस पे बैठाया, उसके बाद में पापा गए और उसके बाद में अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ कुछ दिन के लिए. तो अभी बहुत सारा शादी है यार, क्या तो देख सकते हो मेरे हाथ में अभी एक और शादी कार्ड है, तो फिर इसमें भी जाएंगे. शादी कार्ड रखना है यार, और एक जगह से भी लेना है यार अभी. तो फिर उसके यहाँ अभी जाना है, उसके यहाँ 4 से स्टार्ट है शायद, तक नहीं पता 4 से ही, कब से पता नहीं. तो चलो चलते हैं. हे गाइस, तो यार अभी मैं घर में हूँ, शाम भी हो चुका है यार. और क्या है बोलूँ, अब थोड़ा सा यार भूख वूख तो नहीं लग रहा क्योंकि आज मैंने बहुत सारा क्या क्या चीज़ खाया था. आइसक्रीम से लेकर दुस्का समोसा बोलने टाइप का बहुत सारा चीज़ मैंने खाया. उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ खाई मगर उसकी वजह से मुझे भूख नहीं लग रहा है. तो फिर यार आज मैं सोच रहा हूँ कि आज का वीडियो कहीं यहीं करता हूँ. और कल अपने को जाना है एक जगह, भैया का बड़ा मेहमान होता है. अभी यार शादी का सीजन चल रहा है ना, तो फिर जो शादी से पहले जो होता है ना, लड़की के लड़की पक्ष वाले अपने साइड आएंगे, लड़के पक्ष वाले उनके साइड जाएंगे, ऐसा ऐसा होता है. कुछ कुछ रस्म भी होता है. तो फिर यार उसकी वजह से कल अपने साइड आ रहे हैं. ओ, मैं तो बताना भूल गया, एक भैया का है और वो मेरे मामा मामी लगते हैं ना. तो फिर कल उनके यहाँ जाना है. तो दीदी और विकास तो चले गए हैं, अब कल मम्मी के साथ मैं जाऊँगा और भैया भी जाएंगे. और क्या है बोलूँ यार, अभी रिचार्ज ना कल ही रिचार्ज, मतलब कि जो वाईफाई है ना वो कल ही रिचार्ज हुआ है क्योंकि अब वीडियो आएगा यार. बीच में ना इतना काम हो गया था यार, क्या ही बोलूँ. क्योंकि ना अब क्योंकि पापा थे तो भाई पापा इतने कड़क आदमी है यार, क्या ही बताऊँ मैं यार. वो ना क्या बोलते हैं, समय को वेस्ट मत करो ऐसा बोलते हैं. ये सही बात है क्योंकि अब स्वयं का काम खुद, मतलब कि अपना काम खुद ही करना चाहिए. क्योंकि देखो अब मकान का जो सामग्री होता है ना यार, वो क्या बोलते हैं, जिसमें रिंग होता है, बीम बनता है, नीचे जाली भी लगता है, सारा चीज़ हम ही लोग बनाए. और मैं बहुत थक गया था यार उसमें ना बनाते हैं. इसको बनाने में करीब इसको ना हम लोग कब संडे में स्टार्ट किए, संडे के दिन पानी भी गिरा था अच्छी खासी, रुक रुक के फिर हमने रुक रुक के भी काम किया और शाम तक किया. और पापा भी बहुत डांट रहे थे यार कि तुम लोग समय को नहीं समझते हो ऐसा वैसा करके. फिर मैं बोला कि यार चलो ठीक है, सही बात है क्योंकि समय को वेस्ट ना करो, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए यार, बता रहा सच में. तो फिर यार अब चलो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं, बाय बाय. और कल जाना है वहां, तो कल ही मिलता हूं मैं.